सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली ये हमारा इंट्रो वीडियो है जिसमें हम स्टेम कटिंग से लेके कैसे उसको प्लांट में बदला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ रहिए, आगे और भी इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये हम लोगों का आया है, कहीं से हमने मंगवाया था। ये जैम्बू रेड ड्रैगन का वैरायटी है, इसके बारे में हम आपको आगे से वैरायटी के बारे में बताएंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास आता है कोई भी वैरायटी, तो आपके पास पहला जो काम होता है कि उसको खोलिए। खोलने के बाद उसको नीचे में कहीं एक अच्छी जगह में उसको रख दीजिए, थोड़ा हल्का धूप भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, हमने देखा कि हमारा कुछ प्लांट में फंगस भी लग रहे थे। तो जिसमें फंगस लग रहे थे, सबसे पहले तो हमने उन सबको अलग कर दिया क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो जाते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। उसके बाद उसको हम साफ करना चालू किया। तो जैसे एक साफ नाइफ हमने लिया और उससे उसको धीरे धीरे जो भी पार्ट उसका गल गया था या फिर पीला रंग का हो गया था, उसको हमने साफ कर दिया। सब पूरा का पूरा उस एरिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से उसको साफ करने में ज़रूरी है, नहीं तो उससे फंगस आगे बढ़ जाता है और फिर पूरा पौधे को तो ख़राब कर ही देता है, आगे दूसरों को भी उसको इफेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग साफ नाम का एक फंगसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो पार्ट है फंगस लगने वाला उसको हम साफ करके लगाएंगे। और फिर आगे जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, हमने उसका जो बोन है उसको निकाला शार्प नाइफ से और फिर उसमें फंगिसाइड लगा दिया। ये साफ फंगिसाइड है, बहुत ही अच्छा एक टाटा कंपनी का, यूपीएल कंपनी का फंगिसाइड है। और हमने इसको बढ़िया से तरीके से इसका जो मिडिल का बोन है उसको लगा दिया, उसमें लगा के फिर उसको धूप में सुखाने के लिए एक दिन रख देते हैं। एक दिन बढ़िया तरीके से इसको हल्का सा धूप में आपको सुखाना है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, वो जो फास्ट साफ फंगिसाइड था उसको हमको लगा दिया था। इसके बाद हम लोग एक रूट हार्मोन यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने उस रूट हार्मोन को उसमें लगाना चालू किया। ये रूट हार्मोन का क्या काम रहता है, ये एक्चुअली जो रूट है उसको बहुत जल्दी से जल्दी लाने की और बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो करने की हेल्प करता है। तो इसको अगर आप लगाएंगे तो जो रूट आपको 45 से 50 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, वो 30 से ज़्यादा से 35 दिन में आ जाते हैं। हम लोग ये रूट हार्मोन लगा के देखा है, बहुत बढ़िया से काम करता है और हम लोगों का जो रूट है वो 30 से 35 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया था। इसके बाद हम लोगों का आता है जो सॉइल प्रिपरेशन की बारी, क्योंकि सॉइल अच्छी होनी चाहिए। सॉइल अच्छा नहीं होगा तो उसमें रूट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। सॉइल एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मिट्टी लिए, मिट्टी में गोबर का खाद डाला जो कि कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। कच्चा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कच्चा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फंगस आ जाती है। और उसके साथ हम लोग थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिलाया, और भी बहुत ज़्यादा कुछ आप मिला सकते हैं लेकिन उस सबका ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद उस मिट्टी को तो बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हर जगह में खाद और मिट्टी ये दोनों का अनुपात समान मात्रा में रहे। और उसके बाद उस जगह पे जहाँ पे आप वो पौधा लगाने वाले हैं, उस जगह पे आपको उसको हल्का सा बिछा देना है। और जहाँ पे हम लोग पौधा लगाने वाले हैं वहाँ का मिट्टी को हम पहले से
खुदाई करके रखे थे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 से 3 इंच, और उसके ऊपर ये जो खाद है ये हमने दे दिया। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास ये दोनों छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा फंगिसाइड भी दे सकते हैं। इसमें वो खाद में जो भी बैड बैक्टीरिया रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद आप फिर से थोड़ा सा उसको कुदाल से, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, मिट्टी को थोड़ा इधर उधर कर देना। इसके बाद वो जो प्लांट है उसको आपको लगाना है, उसको ज़्यादा अंदर नहीं धकेलना है, जस्ट जितना स्टीक है उतना एरिया को आपको गाड़ देना है, और आसपास का जो मिट्टी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस कर देना है ताकि हवा बिल्कुल ना जा पाए। उसको बहुत बढ़िया तरीके से टाइट कर देने के बाद हम लोगों का कुछ व्यू ऐसा था, हमने सारा कुछ लगा दिया था। और उसके बाद आते हैं पानी देने की बात। पानी हम नहीं देंगे, पानी के साथ कुछ दवाई भी मिला के देंगे। ये आप जो देख पा रहे हैं ये एक्चुअली है ह्यूमिक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड का क्या काम रहता है, ये ह्यूमिक एसिड जो है रूट को बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से आने में हेल्प करता है। यह हमारा जो ह्यूमिक एसिड है ये 10 ग्राम था, ये हमको 15 लीटर के पानी में इसको हमने दिया और बहुत अच्छी तरीके से मिलाया। तो इसका पानी का जो रंग है ये पूरा काला आ गया, बिल्कुल ऐसा ही रंग आएगा। और फिर इसके बाद हमने उसको हर पौधे में थोड़ा थोड़ा सा करके दिया, ऊपर से दे लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पौधा भी थोड़ा सा हल्का सा भीगा हुआ रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं। तो ऐसे करके आपको दे देना है हर पौधे में। एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं दे देना है, 30 दिन के बाद जैसा आप धूप में भी देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से सपने से फूल निकल गया और सपने से छोटा छोटा स्टेम भी निकल गया। तो ये पौधा भी बिल्कुल रेडी है बोल में प्लांटेशन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इसी में आप लोगों का भी सक्सेस मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अंत में आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा नया चैनल है और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसमें हम हर हफ्ते एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं वो आपको फेस करना नहीं पड़े। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।